नगर परिषद के अधिकारियों को अचानक शहर में अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों पर कार्यवाही करने की याद आ गई। हालांकि अतिक्रमण रोजाना होता है, लेकिन इस पर कार्यवाही करने की याद नगर परिषद को कभी कभार ही आती है। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई चौहाटा बाजार के साथ वाली सब्जी मंडी से, जहां दुकानें सजा कर बैठे फल व सब्जी विक्रेताओं का सामान नगर परिषद ने जब्त करना शुरू कर दिया। इसका फल व सब्जी विक्रेताओं ने विरोध भी किया। माहौल थोड़ा गर्म भी हो गया, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यवाही में ही व्यस्त रहे। कार्यवाही से परेशान फल व सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि वह वर्षों से इसी स्थान पर रोजगार कमा रहे हैं और नगर परिषद उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। आज आए उठाने लगे सारा माल, गिरा दिया गाड़ी के अंदर डालने लगे माल मेरा। उठो यहाँ से, काम नहीं करना, काम नहीं करना, नंबर दो के काम करो, बोल रहे कमेटी वाले। गरीब आप बोले 1000 देता हूँ, मेरे को बोल रहे आप कमेटी के, मतलब मैं 1000 खाऊ, आप बोले मैं देता हूँ 3000 मेरे को, वो आए क्या ना हो भाई जैसे मेरे 1000 भाई, मैंने बच्चे निभाने छोटे छोटे बच्चे मेरे, किराए पे रहता हूँ मैं, किराए भी देना इनके इनके सामान में लिया मैंने क्वार्टर, हर एक चीज कहां से काम करने देते मेरे को, ये बैठ रहा मैं तो 25 साल हो गए काम करते करते, कहाँ जाऊँ मैं भाई, बोलो आप कहाँ जाऊँ मैं, 35-40 साल हो गए, मेरे दादा परदादा मेरे डैडी यहाँ काम करते हैं, नौकरी नहीं हमारे पास, सब्जी का काम करते हैं, 35-40 साल बड़े भारी होते हैं, 35-40 साल मेरे पास नौकरी है, जो मेरे पास फादर ने काम किया वही मैं आगे संभाल रहा हूँ, हमारा घर फैमिली नहीं, कहाँ जाए हम, यहाँ मंडी शहर में बाहर साहब कितने बंदे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मंडी वालों का कोई ध्यान नहीं है। शानदार पॉइंट मिले सर। इसके बाद चौहाटा बाजार में उन दुकानदारों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने सामान दुकानों से बाहर तक फैला रखा था। उपरांत इसकी नगर परिषद की गाड़ी शहर के अन्य स्थानों पर भी गई। जब हमने मौके पर आए नगर परिषद की जेई ललित कटोस से बात की तो उन्होंने बताया कि कार्यवाही करने के आदेश नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्यवाही पूरे शहर में की जा रही है। ये जो रेडी फड़े और जो अनऑथराइज आगे करके रखा है, इसको हटाने के लिए आदेश, हाँ अतिक्रमण। अच्छा, ये नगर परिषद कोई शिकायत आई थी उसके आधार पर? ये तो पता नहीं, हमें तो ईओ साहब के पीछे से उन्होंने बताया कि भैया ऐसे है, ये जो आगे बड़े हुए हैं इनको मतलब ये कराओ, इस पर कार्रवाई करो। ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर एरिया में किया जा रहा है? नहीं, ये पूरे पूरे अभी पूरे जा रहे हैं, हम यहीं से शुरू किया अभी। अच्छा। बस शुरुआत है, बस की आगे सारे 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 पूरे शहर में राउंड होगा अभी अतिक्रमण। हाँ जी, हाँ जी, आदेश चाहे किसी ने भी जारी किए हों, ये बात ठीक है कि शहर में जो अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन बड़ा हास्यप्रद ये है कि अतिक्रमण हर रोज होता है और नगर परिषद को कार्रवाई करने की याद साल या 6 महीने में एक बार आती है। यही कारण है कि जब कार्रवाई होती है तो इसका विरोध भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानों पर ही कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी जाती है। यही कारण है कि अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर लेट लतीफी हो रही है।